गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहित दांगी, MBBS फ्रॉम GMC खंडवा। हम लोगों ने जो बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन पढ़ा था उसका ये लास्ट पार्ट है। बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन में हमें और ये क्या पढ़ना था, ये लास्ट पार्ट है। जो अपन ने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पढ़ा है और जो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन पढ़ा है उसके इनहिबिटर पढ़ना है। अब कि उसके क्या ऐसे इनहिबिटर का मतलब ये होता है कि वो किसी रिएक्शन को रोक दे, इनहिबिट कर दे, यानी कि ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का मेन काम क्या था, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करना। तो अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट नहीं हो पा रहा है यानी कि कोई उसको इनहिबिट कर रहा है तो उसको बोलेंगे इनहिबिटर। ओके, और फॉस्फोराइलेशन का मतलब क्या होता है, ATP फॉर्मेशन। तो अगर ATP फॉर्मेशन किसी वजह से नहीं बन पा रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, और वो उसको बोलेंगे इनहिबिटर, यानी कि इनहिबिटर ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ओके, इतना समझ में आ गया। अब बात करते हैं इनहिबिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की, ठीक है ना, कैसे हो रहा है। तो उसमें देखो तीन ही साइट थी, मैंने बताया था, एक चार्ट था जो कीमोस्मेटिक हाइपोथेसिस से भी समझ सकते हैं ये वाला। एक तो फर्स्ट कॉम्प्लेक्स था, एक थर्ड कॉम्प्लेक्स था, और एक था फोर्थ कॉम्प्लेक्स, जहाँ पे प्रोटॉन ट्रांसपोर्ट होके जा रहे थे। ओके, जहाँ पे इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस में प्रोटॉन ट्रांसफर होके जा रहे थे। ओके, तो ये फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, यही तीन साइट थी। सेकंड वाला ट्रांसफर नहीं कर पाता क्योंकि उसमें इतनी एनर्जी नहीं होती है। तो हम लोगों को क्या है कि यही तीनों चीज़ों को रोकना है। अगर ये तीनों चीज़ें किसी भी वजह से रोक रही हैं, उसको इनहिबिट कर रही थी, तो बस यही पढ़ रहे हैं अपन, इनहिबिटर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो फर्स्ट जो साइट है उसका नाम है NADH एंड कोएंजाइम Q के बीच में अगर इनहिबिट कर रहा है। ओके, तो उस यानी कि कहाँ पे, यानी कि फर्स्ट पे NADH ये होता है और कोएंजाइम Q, यहाँ पे अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ पे कोई इनहिबिट कर रहा है, तो ये है फर्स्ट साइट। ओके, तो इसमें क्या क्या होते हैं, रोटेनॉन, एमाइटल और पायरेसिडिन ए। ओके, ये मैं ट्रिक बता दूंगा कैसे तुमको याद करना है, अभी याद कर लो, रोटेनॉन, एमाइटल एंड पायरेसिडिन ए। ओके, अब दूसरी बात क्या आती है कि ये जो रोटेनॉन है वो क्या है, रोटेनॉन एक फिश पॉइजन है। क्या है, फिश पॉइजन है। और एमाइटल तो पता ही है क्या है, बारबिट्यूरेट होते हैं एमाइटल, और पायरेसिडिन ए एक एंटीबायोटिक है, ठीक है, ये तीनों चीज़ें याद रखना है। फिर है बिटवीन साइटोक्रोम बी एंड सी, यानी कि कौन सी साइड, ये थर्ड वाली। ओके, साइटोक्रोम बी एंड सी के बीच में एक कौन से इनहिबिटर काम करेंगे, एंटीमायसिन ए एंड वॉल। एंटीमायसिन ए क्या है, ये एंटीमायसिन ए एक एंटीबायोटिक है, और बॉल का मतलब होता है, BAL का मतलब होता है ब्रिटिश एंटी ल्यूसाइड। ये क्या है, ए भी एक एंटीडोड है जो कि वॉर गैस वगैरह में यूज किया जाता है उस टाइम पर, है ना। तो ये दो इनहिबिटर हैं इंपॉर्टेंट जो बी और सी के बीच में इनहिबिट कर देते हैं, प्रोटॉन ट्रांसफर नहीं होने देते हैं। तीसरी बात आती है इनहिबिटर ऑफ साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। साइटोक्रोम ऑक्सीडेज किसको बोला था, कॉम्प्लेक्स फोर को साइटोक्रोम ऑक्सीडेज बोलते थे, ये वाले को जिसमें AA3 होता था। ओके, इसको साइटोक्रोम ऑक्सीडेज बोलते हैं। इसकी बात कर ली अपन ने फर्स्ट की, थर्ड की, अब बात कर रहे हैं फोर्थ की। यहाँ पे कौन से इनहिबिटर काम करते हैं, तो यहाँ पे करते हैं CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, CN, H2S एंड एजाइड, ये काम करके, मतलब सारी गैसें हैं लगभग। तो जो गैसें होती हैं वो इसको फोर्थ वाले को इनहिबिट कर देंगे। ओके, तो इतना समझ में आ गया। अब इसको याद कैसे करना है, हमको वहाँ पे भूल ना जाए, ऐसे ऐसे कैसे याद रहेगा, ठीक है। तो देखो अपन ऐसे याद कर सकते हैं, सेकंड को तो अपन ने लेना ही नहीं है, अपन को फर्स्ट को लेना है, थर्ड को लेना है एंड फोर्थ को लेना है। तो इसमें ए मान लो, बी मान लो, इसे सी मान लो। ओके, तो बस इसी तरह से याद कर लो, इसमें ए होगा पायरेसिडिन ए, एमाइटल, रोटेनॉन, ये विटामिन ए से रिलेटेड है तो ए ही हो गया। ओके, फिर बी है तो बी से BAL हो गया, ब्रिटिश एंटी ल्यूसाइड। और ए कैसे याद रखो कि BAL में जो ए है उससे फिर इसको निकाल देना, एंटीमाइसिन ए। ओके, तो ए भी हो गया। तीसरा है सी, मैंने कहा ABC, सी से सब ये सी वाली गैसें और कुछ तुम्हें याद हो जाएगा। तो ट्रिक यही है कि ये ए और ये बी और ये सी, ऐसे याद रखना है इनको। अब बात आती है कि इनहिबिटर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन तो पता चल गई, फिर इनहिबिटर ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कौन इनहिबिट करेगा, इनकी बात करते हैं अपन। इनमें क्या होता है, अनकपलर होते हैं। अनकपलर क्या होता है, पूरी डिटेल में बता दूंगा, लेकिन नाम से पता चल ही रहा है कि अनकपल करेंगे किसी भी चीज़ को, जो कपल होगी जो चीज़ उसको अनकपल कर देंगे, यानी कि डीलिंक कर देंगे, लिंक को तोड़ देंगे, उसको बोलेंगे अनकपलर। ये भी दो तरह के होते हैं, केमिकल भी हो सकते हैं और फिजियोलॉजिकल भी हो सकते हैं। केमिकल का एग्जाम्पल है 2,4-DNP, DNP का भी फुल फॉर्म है डाइनाइट्रोफिनॉल, ठीक है, 2,4-डाइनाइट्रोफिनॉल। फिजियोलॉजिकल की बात करें, इसमें क्या होता है, थर्मोजेनिन, थायरॉक्सिन, लॉन्ग चेन फ्री फैटी एसिड एंड बिलीरुबिन। बिलीरुबिन भी ये अनकॉन्जुगेटिव वाला है, अपन ने कॉन्जुगेटिव एंड अनकॉन्जुगेटिव बिलीरुबिन पढ़ा था अपन ने जॉन्डिस में, कैसे होता है। अनकॉन्जुगेटिव का मतलब क्या होता है, जो ब्लड में जब तक होता है वो अनकॉन्जुगेटिव, उसके बाद जब वो लिवर में पहुंचता है वो डाइग्लुक्रोनाइड के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है, तो उसको अपन फिर क्या बोलेंगे,
उसको बोलते हैं कॉन्जुगेटेड ब्रोमीन। तो ये वाला है जो अनकॉन्जुगेटेड वाला है। ओके, फिर है ऑलिगोमाइसिन, अनकपलर हो गए। ऑलिगोमाइसिन क्या होता है? ऑलिगोमाइसिन भी एक एंटीबायोटिक है जो कि माइटोकॉन्ड्रियल ऑक्सीडेशन और फॉस्फोराइलेशन को इनहिबिट करती है। ये कैसे काम करती है? ब्लॉक द एच आयन चैनल एटीपी सिंथेज। जो अपन ने फाइव कॉम्प्लेक्स होता है, देखो फॉस्फोराइलेशन का मतलब ही एटीपी फॉर्मेशन है, तो कहाँ की बात चल रही है? ये जो फाइव कॉम्प्लेक्स है यहीं पे एटीपी फॉर्मेशन होता है, तो यहाँ पे ये एच आयन चैनल को ब्लॉक कर देता है एटीपी सिंथेज के। यहाँ पे एच आयन चैनल को ब्लॉक कर देगा, एच आयन ट्रांसफर ही नहीं होंगे तो एटीपी बनेगा ही नहीं। ओके, तो ये हो गया ऑलिगोमाइसिन। फिर आता है एट्रासाइक्लोसाइड। ये क्या होता है? एट्रासाइक्लोसाइड ये क्या होता है? प्लांट टॉक्सिन है। ये इनहिबिट करता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन किसके थ्रू? मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है इसका? ये कैसे करेगा इनहिबिट? ब्लॉक द एडिक्यूट सप्लाई ऑफ एडीपी। ये इनडायरेक्टली करता है, डायरेक्ट एडीपी को नहीं कर रहा, लेकिन ये अगर एडीपी की सप्लाई ही नहीं कर रहा प्रॉपर तरीका से, एडीपी की सप्लाई को ही ब्लॉक कर दिया तो एटीपी तो बनेगा ही नहीं। अपन को एडीपी तो चाहिए कम से कम, ये एडीपी तो चाहिए ना एटीपी बनाने के लिए। जब एडीपी ही एडिक्यूट सप्लाई नहीं हो पा रही है, ब्लॉक कर रहा है, तो फिर नहीं बनेगा। तो ठीक है, ये तीनों चीज़ें याद रखना है, अनकपलर, ऑलिगोमाइसिन, एट्रासाइक्लोसाइड। ओके, ये तीनों का। अब मेन बात आती है कि क्वेश्चन शॉर्ट आंसर क्वेश्चन अनकपलर पे अलग से भी आ जाता है, तो अगर अनकपलर अलग से आए तब भी तुम्हें यही सारी चीज़ें लिखनी है। तो अनकपलर के बारे में मैंने थोड़ा सा और बता देता हूँ, ये अनकपलर के बारे में। अनकपलर क्या होते हैं? डेफिनेशन की बात करें तो देखो नाम में ही पता चल रहा है, अनकपल द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन फ्रॉम ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। यानी कि ये दोनों जो होते हैं, दोनों साइकिल जो होते हैं, ये रिलेटेड हैं एक दूसरे से, क्योंकि ये बिना उसके काम कर ही नहीं सकते। ये दोनों लिंक हैं एक दूसरे से। अगर इनको कोई डी लिंक कर रहा है, ऐसा कंपाउंड कोई जो इनको डी लिंक कर रहा है, उनको बोलेंगे अपन अनकपलर। यानी कि जो इनको कपल होने से रोक रहा है उनको अनकपलर बोलेंगे। ओके, तो किस किस को रोक रहा है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, इनको अनकपल। तो यानी कि एटीपी फॉर्मेशन हो ही नहीं पाएगा अगर ये डी लिंक हो जाएंगे। तो ठीक है, आगे पढ़ते हैं ये कैसे काम करता है। एमओए का मतलब क्या है? मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, कैसे काम कर रहा है। तो ये क्या करता है? इंक्रीज परमेबिलिटी ऑफ इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन टू प्रोटॉन। यानी कि प्रोटॉन के लिए ये परमेबिलिटी को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है, तो प्रोटॉन ग्रेडियंट बनेगा ही नहीं। जो अपनी मेम्ब्रेन है ये माइटोकॉन्ड्रिया की, प्रोटॉन ग्रेडियंट बनाता है ये वाला, ठीक है ना। यहाँ पे एच आयन ज़्यादा हो गए थे, यहाँ पे कम हो गए, छो गए थे ज़्यादा, तो यह प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप हुआ था तभी जाके। प्रोटॉन ग्रेडियंट अगर डेवलप ही नहीं होगा तो फिर एटीपी फॉर्मेशन होगा ही नहीं। ओके, तो प्रोटॉन ग्रेडियंट को ये डेवलप ही नहीं होने देगा। क्यों नहीं होने देगा? क्योंकि ये इंक्रीज परमेबिलिटी ऑफ इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन की बढ़ा देगा। अनकपलर को दूसरी तरह से कैसे बोल सकते हैं? द अनकपलर अलाउ ऑक्सीडेशन ऑफ सब्सट्रेट विदाउट एटीपी फॉर्मेशन। मतलब कि ये ऑक्सीडेशन तो कराएंगे लेकिन ये एटीपी फॉर्मेशन नहीं कराते, ठीक है ना। ये बात करते हैं कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं। अभी अपन ने देखा था केमिकल एंड फिजियोलॉजिकल। तो केमिकल में 2,4-DNP बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इसकी स्टडी की गई है। 2,4-DNP मतलब डाई नाइट्रो फिनॉल, इसकी स्टडी बहुत की गई है। ओके, तो ये क्या है? डीएनपी ही भी एक प्रोटॉन कैरियर है और ये इजिली डिफ्यूज हो जाता है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं। और अगर डीएनपी में क्या है, प्रोटॉन कैरियर है, एंटी ओबिसिटी थेरेपी में इसको यूज करते थे पहले। क्या है कि एंटी ओबिसिटी में बहुत ज़्यादा फैट होता है, बहुत ज़्यादा ओबिसिटी का मतलब यही एक्सेसिव फूड फैट जमा हो गया। ओके, बहुत ज़्यादा है, तो उनको तोड़ने ये अपन यूज करते थे प्रोटॉन कैरियर के फॉर्म में। ये क्या है, एनर्जी तो बना नहीं रहा है और एनर्जी खर्च करेगा ये, क्योंकि एनर्जी तो अनकपलर है ये, तो एनर्जी फॉर्मेशन तो होने ही नहीं देगा, एटीपी तो फॉर्मेशन होने नहीं देगा, ठीक है ना। तो इसको पहले एंटी ओबिसिटी में यूज करते थे, लेकिन अब इसके क्या है, साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा है इसके, इसलिए इसको बैन कर दिया गया है। बहुत घातक साइड इफेक्ट थे इसके, इसलिए इसको बंद कर दिया गया है। इसके बाद और एग्जांपल हैं केमिकल की, 2,4-DNC, डीएनसी यानी कि डाई नाइट्रो क्रिसोल, पेंटा क्लोरोफिनॉल, FCCP यानी कि ये क्या है, FCC का फुल फॉर्म है ट्राई फ्लोरो कार्बोनाइल साइनाइड फिनाइल हाइड्राजोन, इसका ये पूरा फुल नाम है। फिर है एस्प्रिन। अगर एस्प्रिन को भी बहुत ज़्यादा मात्रा में यूज़ किया गया, ऐसे एस्प्रिन टैबलेट सबको पता है, लेकिन एस्प्रिन अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में ले ले तो वो भी फिर अनकपलर की तरह काम करती है। तो ये तो केमिकल, ये याद रखना है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है केमिकल में याद रखना है? 2,4-DNP, इसको बहुत याद रखना है, इसको बहुत स्टडी की गई है इसके बारे में। ये क्या है, डीएनपी, ये एक प्रोटॉन कैरियर है और ये इजीली डिफ्यूज हो जाता है अपने किस में, माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में इनर। ओके, तो ये वेट लॉस में भी पहले इसका थेरेपी में यूज़ करते थे 2,4-DNP, अब बंद कर दिया गया है क्योंकि इसके साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा हैं। अब आती है फिजियोलॉजिकल की बात। केमिकल हो गए, फिजियोलॉजिकल में कौन कौन से आएंगे? फिजियोलॉजिकल में आएंगे थर्मोजेनिन, थायरोक्सिन, लॉन्ग चेन फ्री फैटी एसिड, अनकॉन्जुगेटिव बिलिरुबिन,
आयनोफोर्स क्या है, ये भी इंक्रीज परमेबिलिटी ऑफ आयन की बढ़ा देंगे तो वो प्रोटॉन ग्रेडियंट तो डेवलप ही नहीं हो पाएगा। ओके, इसी को अपन आयनोफोर बोलेंगे। तो ये दो तरीके से है, वेलिनोमाइसिन एंड नाइक्रेसिन। ओके, तो इतना ये सब बहुत इंपॉर्टेंट था, ये सारा अपन को याद रखना है। अब देखो थर्मोजेनिन के बारे में मैं बता दूं, थर्मोजेनिन क्या है, ये नेचुरल अनकपलर है। ओके, ये कहाँ होता है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन जो होती है उसके ब्राउन एडिपोज टिश्यू में होता है। ये किस में, वाइट में नहीं, ये ब्राउन एडिपोज टिश्यू में होता है और ये अनकपलर की तरह काम करता है, ठीक है ना। और ये ब्लॉक कर देगा किसको, एटीपी फॉर्मेशन को, और हीट को निकालेगा। थर्मो मतलब कि पता ही चल रहा है कि हीट को निकालेगा। ओके, अनकपलर भी और ये भी थर्मो यानी कि हीट से रिलेटेड है, तो हीट को निकालेगा। एटीपी तो फॉर्मेशन ही नहीं करेगा, ये पूरी की पूरी एनर्जी को हीट के फॉर्म में निकाल देगा। ओके, बस ये इतना ही मुझे बताना था अनकपलर के बारे में। अगर अलग से आए तो तुम्हें अनकपलर यही लिखना है, तो अनकपलर की एक स्क्रीनशॉट ले लो, अनकपलर आए तब भी ये लिखना है, और अगर इनहिबिटर ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन है तब भी तुमको ये लिखना है। ओके, तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। ये इतना ही था, बहुत ज़्यादा बड़ा टॉपिक है नहीं, तो थोड़ा सा ही है। एक इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इनहिबिटर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एंड इनहिबिटर ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ओके, थैंक यू गाइस वीडियो देखने के लिए। इसको अच्छा लगे, कुछ भी हेल्प हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो इस चैनल को। ओके, थैंक यू, बाय बाय।